Good morning, students. Bete, today we are going to discuss about the position of promoters in the company. Who are the promoters? You are aware. It could be an individual, it could be group of individuals, or it could be an already existing company. Those who are taking all these steps to give the practical shape to their idea. यानी कि सिंपल वर्ड्स में बेटे प्रमोटर वो लोग हैं जो कि एक नई कंपनी फॉर्म करने के लिए यू नो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. उस कंपनी को रजिस्टर करवाना, उस कंपनी के लिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, रिस्क लेना, कैपिटल को इकट्ठा करना, ये सब उनका काम है. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स. फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए प्रीवियस लेक्चर्स में. Now we are going to discuss about the position of the promoter. So, बेटे first point wise हमें उनको लिख सकते हैं position को. पहला point जो है that is the promoters are neither the trustee nor the agents of the company. ठीक है, these are neither the agents nor the ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी. एजेंट बेटे कब होता है? एजेंट तब होता है जब कोई प्रिंसिपल होता है. आपने पार्टनरशिप में पढ़ा कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, व्हेन यू आर यू नो डूइंग एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, यू आर द एजेंट. जब आप किसी के बिहाफ पे कोई काम कर रहे हैं, यानी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसके एजेंट हैं. किसके एजेंट हैं? जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल. ठीक है, जब आप किसी के, देखो हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई नाम होता है. इफ यू आर से ब्रदर टू समवन, ठीक है, तो यू आर ब्रदर, और जिसके आप ब्रदर हो वो सिस्टर है. सो दोनों पार्टीज का नाम होता है रिलेशनशिप में. सो सेम इज द केस हेयर. जो कंपनी है वो प्रिंसिपल है, और प्रमोटर जो है वो एजेंट हो सकता है अगर कंपनी होगी तो. देखो अभी तो प्रमोटर कौन है? जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए सारे काम कर रहा है. तो इसका मतलब अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है. कंपनी इज येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड. सो प्रमोटर कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, so this is the position of the promoter must be clear to you, that you should be aware of the fact that if you are promoting any company, you are neither the agent of that company nor the trustee of that company. ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी काम इस कंटेक्स्ट में करते हो कि आप कंपनी के लिए कर रहे हो, if you enter into any contract, ठीक है, और आप दूसरों को ये कह रहे हो कि मैं on the behalf of company ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ, या मैं एडवांस ले रहा हूँ, या मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, बेटे दीज आर नॉट वैलिड. व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज नॉट इवन एग्जिस्टिंग. आपका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है तो आप एजेंट कैसे बन जाओगे? द कंपनी इज येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, राइट? सो प्रमोटर इज नाइदर द एजेंट nor the trustee of the company. So if they enter into any contract, okay, they themselves will be personally liable for the contracts entered into them before the incorporation of the company. Abhi company incorporate hui nahi, aapne kisi ke sath contract sign kar liya. Suppose aap apne friends ke sath baithe hue hain, aap keh rahe ho bhai ye mera idea hai, तो थोड़े दिनों मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ, मैंने सीए वगैरह को सारा काम दिया हुआ है, एमओए एओए मेरा रेडी हो रहा है, ठीक है, जैसे ही रेडी होगा मैंने बस रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लेनी है. ठीक है, तो वो आपका फ्रेंड कहता है अच्छा जो तेरे को रॉ मटेरियल चाहिए ना वो मेरे पास अवेलेबल है, तो यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मी कि तू मेरे से ही ये रॉ मटेरियल लेगा. आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया. ठीक है, कल को जब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी, यू कैनॉट बाउंड द कंपनी बाय योर एक्ट्स. आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंटर किया था. कैन यू से सो? यू कैनॉट से सो. व्हाई कांट यू से सो?
because company was not incorporated when you signed the contract on behalf of the company. That is, you are not to be considered as an agent of the company, right? So any contract which has been entered by the promoter before the incorporation of the company, they are not valid. Yes, the company may ratify them, theek hai, later on, agar company in contracts ko ratify kar deti hai. Ratify karne ka kya matlab hai? Ratify karne ka matlab hai bete, to you know, give approval. ठीक है, कंपनी अगर इसको अप्रूवल दे देती है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है. अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया वो एक यू विल बी पर्सनली लायबल. मतलब ये लेट अस से आपने अपने फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और उसने आपका सारा रॉ मटेरियल मंगवा के रख लिया, और कल को जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उस केस में आपने बताया कंपनी को कि भी ऐसे ऐसे मैंने तो कंपनी के बिहाफ पे मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है, हमने इसी से रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है. अगर तो कंपनी अप्रूव कर देती है, रेटिफाई कर देती है, क्योंकि कंपनी आप लोगों से ही आप लोग प्रमोटर हो कंपनी के, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. अगर बाकी सब नहीं मानते हैं या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको रेटिफाई नहीं करते हैं तो आप पर्सनली लायबल हो. अगर आपके फ्रेंड का कोई नुकसान हुआ है और वो कहता है मेरा नुकसान भरो, तो वो कंपनी नहीं भरेगी, वो कौन भरेगी? आपको भरना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स, दैट दे आर नाइदर द एजेंट नॉर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी. दैट इज, इफ दे एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट before the incorporation of the company, they will be personally liable. ठीक है, तो second बेटे आता है, sorry. Okay, so another point regarding the position of promoter is that promoters enjoy a fiduciary position with the company which they must not misuse. Here the word fiduciary, it refers to fiduciary means a position of trust. ठीक है, promoters की company के साथ जो position है, relation है, वो fiduciary है. Fiduciary means of mutual trust. ठीक है, company जो है वो promoters के ऊपर trust कर रही है, तो इस ट्रस्ट को उन्हें या इस पोजीशन को उन्हें मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है. सो व्हाट डज इट इंप्लाई कि अगर आप कंपनी के प्रमोटर हो, ठीक है, तो और अगर यू शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स, ठीक है, इफ यू आर मेकिंग एनी प्रॉफिट कंपनी से, आप कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करके कंपनी के बिहाफ पे कोई ट्रांजेक्शन करके आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, so it should be disclosed. You should not make any secret profits. Theek hai, again I will give you example. You four friends, you are promoting a company. Aap usme se ek friend, apne friend ke sath baitha hua hai, kisi aur friend ke sath baitha hua hai, aur wo keh raha hai ki ye hum company form kar rahe hain, theek hai, to usne kaha acha tu mere ko contract de dena, main tere ko itne percent commission dunga, theek hai, to aapne usse ye commission le li. तो अगर तो आप इस फैक्ट को डिस्क्लोज कर देते हो बाकी प्रमोटर्स को भी, ठीक है, देन इट इज फाइन. बट इफ यू डू नॉट डिस्क्लोज, यू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, कंपनी की आड़ में आप सीक्रेट प्रॉफिट्स कर रहे हो और आप उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो, तो उस केस में कल को अगर कंपनी को ये बात पता चल जाती है, देन कंपनी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कंपनी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है. हेयर रिसाइंड मींस कैंसल एंड रिकवर द परचेज प्राइस पेड टू द प्रमोटर्स. तो जो प्रमोटर्स को उसने कमीशन दी है या परचेज प्राइस जो भी दिया हुआ है उसको वो प्रमोटर से रिकवर कर सकती है. मोरओवर, अगर प्रमोटर के इस सीक्रेट प्रॉफिट्स के कारण या किसी भी इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण
कंपनी को कुछ लॉसेस हुए हैं, ठीक है, तो उस लॉस का जो डैमेज है वो भी कंपनी प्रमोटर से रिकवर कर सकती है। ठीक है, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ बेटे आपको दोबारा से, कि आप अपने फ्रेंड के साथ, आप प्रमोटर हो, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ बैठे हुए हो और बता रहे हो कि हमने कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए हमें ये रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो आपका फ्रेंड आपको कहता है, जो भी थर्ड पार्टी के साथ आप बैठे हो, वो कहता है कि ठीक है मैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे करो तुम मेरा टेंडर क्लियर कर देना, ठीक है, मैं तेरे को इतने परसेंट कमीशन दूंगा और मैं रेट भी तेरे को जेन्युइन लगाऊंगा। आपने उसके साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपने कमीशन अपने पॉकेट में डाली और बाकी प्रमोटर्स को नहीं बताया, ठीक है, या प्रमोटर्स ने या सब प्रमोटर्स ने मिलकर शेयर कर लिया प्रॉफिट और कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो इन दैट केस अगर कल को ये बात खुलती है तो पहली बात, कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, और अगर कंपनी को इसके कारण कोई नुकसान होता है, थर्ड पार्टी को आपको लेटर से कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, कंपनी को चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ये चार्जेस कंपनी प्रमोटर से भी रिकवर कर सकती है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स। बेटे प्रमोटर्स आर नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। अब आप प्रमोटर हो, ऑब्वियसली यू आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू एग्जीक्यूट योर आइडिया टू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी, तो ऑफकोर्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस माइट हैव इनकर्ड बाई यू, माइट हैव बीन इनकर्ड बाई यू while forming your company, incorporating your company, ठीक है। But कल को जब ये company existence में आ जाएगी, supposing again I am taking the same example, four of you are the promoters of the company, आपको 3-4 महीने लग गए company को incorporate कराने में और आपका 4 लाख रुपया लग गया company को incorporate कराने में, कुछ आपने bankers को commission दी, कुछ CA को fees दी, कुछ आपने कागजी कार्रवाई की and everything। अब आपका 1-1 लाख रुपए का जो खर्चा आया है वो कंपनी से आप नहीं मांग सकते, मांग सकते हो बट लीगली यू आर नॉट इंटाइटल्ड, ठीक है, आपको कोई लीगल हक नहीं बनता है टू क्लेम द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रमोशन ऑफ कंपनी। हाँ, कंपनी मे चूज टू रीइंबर्स यू फॉर द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। बेटे अगेन वही बात आ गई, आप चारों प्रमोटर ने ही MOA को साइन करना है, कल को आप कंपनी के, अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप ही कंपनी के मेन डायरेक्टर्स बनोगे, है ना, तो जब आप कंपनी के मेन डायरेक्टर बनोगे तो सारी डिसीजंस आपने ही लेनी है, तो यस यू कैन रीइंबर्स, आप उसमें अपने खर्चे, कंपनी के खर्चे में 4 लाख रुपए डाल सकते हो ये लिख के प्रमोशन एक्सपेंसेस। लेकिन अगर कंपनी नहीं डालती, आप चारों ने ये डिसाइड किया कि भी हमारी नई कंपनी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े खर्चे, ठीक है, तो उस केस में अगर एक प्रमोटर कहता है नहीं भी मैंने तो 1 लाख रुपया खर्चा, मैंने लेना ही लेना है, वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि प्रमोटर कंपनी से अपने जो खर्चे हुए हैं जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, उससे पहले उसने जितने खर्चे किए कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, वो लॉ जो है वो कहता है कि कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है प्रमोटर को वापस दे, ठीक है। हाँ, कंपनी चाहे तो वो सारे एक्सपेंसेस उसको रीइंबर्स कर सकती है और प्रमोटर्स को रेमुनरेट भी कर सकती है, रेमुनरेट मींस उनको जितना भी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं उसके बदले उनको कुछ रिवॉर्ड दे सकती है, रिवॉर्ड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट, एक लमसम अमाउंट दे सकती है, या कोई भी उन्होंने जैसे प्रॉपर्टी खरीदवाई है उसके ऊपर कमीशन दे सकती है किसी भी, और या उनको उनके नाम पे कुछ शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है, ठीक है, इन एनी ऑफ द वे दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी इटसेल्फ। जैसे जैसे आप बेटे बिजनेस में जाएंगे, और अभी तो आप छोटे हो, जब जाओगे तब और भी नई चीज़ें, हमेशा बिजनेस में भी चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, थीके? तो जैसे OPC कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती थी, अब एग्जिस्टेंस में आ गई है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं होती थी, अब आ गई है, so a lot of changes keep on taking place।
So this was the position of the promoter. I am repeating three points relating to the position of the promoter. Number one, they are neither the agents nor the trustees of the company. Number two, they enjoy a fiduciary position with the company, which they must not misuse. Number three, promoters are not legally entitled to claim the expenses incurred on the incorporation of the company, right? So this was about the position of the promoter and the first stage of the formation or incorporation of the company, right? So by now, what you have done is you have thought about the idea, you have started giving the practical shape to your idea by conducting feasibility studies, you have got the name approved, you have got your MOA prepared, AOA prepared, you have appointed the professionals, you have given the statutory declaration, and you have also paid the fees for the registration of the company. Now, after completing all these formalities, now the promoters will make an application for the incorporation of the company. So here we come to the second stage, that is incorporation. Okay. So application form is to be filed with the registrar of the company. Kis registrar ke paas jaoge? Registrar of the companies of the state within which you plan to establish your business. Okay. So agar aapko Jalandhar, Ludhiana, Amritsar mein se कहीं पर भी कंपनी सेटअप करनी है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ पंजाब के पास जाओगे, ठीक है? और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म रेडीमेड मिलता है, आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन नहीं देनी. यू हैव टू गेट ऑब्टेन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार एंड दिस हैज टू बी अकंपनीड विद द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हिच आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Secondly, articles of association, right? Then written consent of the proposed directors. Then agreement with the proposed managing director. Okay. So, or a copy of the registrar's letter approving the name of the company and a statutory declaration. कि हमने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल कर ली हैं. देन ऑल्सो अ नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके आपको सबमिट कराना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. देन रिसीट ऑफ द पेमेंट ऑफ फीस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करा देने हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में. रजिस्ट्रार देखेगा इफ ही सेटिस्फाइड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन द ऑर्डर, ठीक है? Then all the statutory requirements regarding the registration have been complied with, okay, he will issue you a certificate of incorporation. Rest we will discuss tomorrow, bete. Any child? Any doubt?